ऑर्डर करे थे वो फाइनली आज आ गए, फाइनली कॉल आ गई है, वो आ ही रहा है और मैं आपको भी दिखाता हूँ और देखते आप याद करिए कौन मिल सकता है मेरे को, अकेला आया था बट मिले। सो हेलो वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मॉर्निंग में उठ गया हूँ आज जल्दी, कहा था मैंने मतलब मेरा रूटीन अब उठ जाता हूँ, कभी कभी इस टाइम में सोता हूँ बट आज उठ चुका हूँ और मैं उठा था 6:45 पे। फिर मैंने ब्लॉग एडिट करा, अपलोड करा, अपलोड हो चुका है पूरा ब्लॉग। और थोड़ी भूख सी लग रही है यार मेरे को, बहुत लगती है पता नहीं क्यों। तो कल शाम को मम्मी ने नूडल्स बनाए थे तो वो देखते हैं फ्रीज में रख के निकालते हैं और खाते हैं उसको। कल मम्मी ने शाम को बनाई थी तो मैं अभी भूख लग रही है तो अभी ये खा रहा हूँ, ठंडी खा रहा हूँ फ्रीज से निकाल के। तो गाइस नहा के एकदम रेडी हो चुके हैं और यार अभी सुबह सुबह है तो चलते हैं मंदिर। मम्मी ने भी काफ़ी शोर थी मतलब एक बार बोला कि मंदिर चले जाओ तो चलते हैं मंदिर, काफ़ी टाइम से मंदिर गए भी नहीं। और गाइस डेली मंदिर जाना चाहिए, वो तो मेरा रूटीन पता नहीं आना टेढ़ा होता है कि मैं उठते ही शाम को हूँ दोपहर में हूँ, तो चलते हैं आज मंदिर। गाइस मंदिर से भी आ चुके हैं और आज ब्रेकफास्ट में पता है क्या, मतलब कभी कभी तो मैं सोचता हूँ मतलब मैं ब्लॉग में सिर्फ खाना दिखाता रहता हूँ, खाना खाता रहता हूँ, मतलब यार आई लव टू ईट फूड, मतलब मैं क्या सबको अच्छा लगता है खाना खाना। बहुत से लोग खाते नहीं है, कम खाते हैं, डाइट कॉन्शियस है, बट जिम करो, खाओ पियो, ऐश करो, ज़िंदगी जियो, खुश रहो। और आज मम्मी ने हलवा और छोले बना रखे थे तो मैंने कहा यार मम्मी प्लीज़ भटूरे बना दो मेरे लिए, तो मम्मी ने मेरे लिए भटूरे बना दिए। मतलब मेरे घर पे अनहेल्दी चीज़ें बहुत कम बनती हैं मतलब, तो फिलहाल मेरे लिए फिलहाल भटूरे बने हैं तो खाते हैं यार भटूरे छोले के साथ में, वन ऑफ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट है करते हैं। तो गाइस काफ़ी दिन पहले मैंने अपने जूते ऑर्डर करे थे वो फाइनली आज आ गए हैं, फाइनली कॉल आ गई है, वो आ ही रहा है और मैं आपको भी दिखाता हूँ और देखते हैं कैसे आए हैं। फाइनली अपना कुरियर भी आता है, रिसीव करते पे करते हैं फिर मिलते हैं। कुरियर मेरे हाथ में है गाइस, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, घर पर चलते हैं और देखते हैं कि साइज सेम है कि नहीं है जूते हैं। मेरे को एक बात कहनी थी, मेरे को एक दो काम थे यार बट मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है, इतनी ज़्यादा तेज़, मतलब आप देख सकते हैं चमचमाती हुई है धूप इतना, और 40 प्लस टेम्परेचर होगा, वेदर होगा रिपोर्ट अगर मैं चेक करूँगा अभी, बट बहुत गर्मी है। चलते हैं खोलते हैं, फाड़ दिया इसका टेप वगैरह, फाड़ते हैं और खोलते हैं। ये गाइस ये है मेरे जूते, कैसा लग रहा है प्लीज़ गाइस कमेंट बताना। ये पूरा का पूरा ट्रैकिंग पर्पज से है, इसकी ग्रिप देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा अच्छी है ग्रिप, ये बहुत अच्छी है। आप प्लीज़ बताना कमेंट में कि कैसे लग रहे हैं आपको जूते, ये मम्मी को तो अच्छे लगे, ये तो आप मत देखिए कितने का है ये, क्या मेरे को तो बहुत प्यारा जूता लग रहा है यार, बहुत प्यारा। सबसे अच्छी मैंने इसके लिए मंगाया है, ये ग्रिप अच्छी है क्योंकि जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ सिर्फ ये ग्रिप काम करेगी। तो एक बार पहन के देखते हैं साइज़ क्या है। मेरे को तो बहुत अच्छे लग रहे हैं यार, कंफर्टेबल बहुत है, एक तो अभी हल्का सा टाइट है बट वो एक दो दिन पहनूंगा ना तो सही हो जाएगा, बट अच्छे लग रहे हैं मेरे को तो फिलहाल, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। इसकी सोल देखिए क्या प्यारा सोल है, स्टिकर चिपका है वाइल्ड क्राफ्ट के सिंबल के पीछे, बट काफ़ी अच्छा जूता है, ट्रैकिंग के हिसाब से अच्छा है, आप लोग ले सकते हैं। छोले विद राइस करते हैं, आज मैंने रोटी स्किप कर दी है, जिम के लिए भी रेडी हो गए हैं, अपनी वॉच भूल गया हूँ, वॉच लेके आते हैं और चलते हैं जिम। सो गाइस जिम भी आ चुके हैं, करते हैं लेग्स का वर्कआउट स्टार्ट, सबसे पहले वार्म अप करते हैं फिर करते हैं वर्कआउट। गाइस वर्कआउट भी कंप्लीट हो चुका है, स्ट्रेचिंग भी मैंने कर ली अभी, मैंने संयुक्त ने और अभी मतलब भैया वगैरह सब ने, और अब चलते हैं घर। शेकर यार मेरा थोड़ा सा टूट गया तो इसलिए मैं शेकर से प्रोटीन नहीं पी पा रहा हूँ, चलते हैं घर। तो गाइस घर पर भी आ चुके हैं और चेंज भी कर लिया है और आज एक पार्टी में जाना है, और मेरे को मतलब जाना का बिल्कुल मन नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं था, बट क्योंकि ये फॉर्मल पहना है, फॉर्मल आउटफिट मेरे को बिल्कुल भी अच्छा लगता है। चलते हैं रेडी हो गए, चलते हैं मिलते हैं शादी में। सो गाइस चलते हैं, अकेला ही हूँ मैं और मिलते हैं आप शादी में। पार्किंग की बिल्कुल भी जगह नहीं है, एक तो बिल्कुल भी जगह नहीं है, हर तरफ गाड़ियाँ और जाम लग रखा है रोड पे। देखो यार मैं किधर खड़ी करूँ, इधर ही खड़ी कर दूँ दबा के सोच रहा हूँ। सो शादी में भी आ चुके हैं गाइस,
है एंट्रेंस, चलते अंदर साल अभी। सो गाइस गेस व्हाट, मतलब मेरे को आप गेस करिए कौन मिल सकता है, मेरे को अकेला आया था बट मिले देखिए कौन, शिवा भाई, नितिन भाई, शशांक भाई सब मिल गए, सब लोग यार मजा आ रहा है फिलहाल अभी हमने ऑर्गेनाइज किया और अब करते एंजॉय, मिलते हैं थोड़ी देर में खाना खाने के बाद। तो गाय था पी सब कुछ लिया मैंने, आइसक्रीम खाते हैं और चलते हैं, मतलब गर्मी में मेरी हालत ख़राब हो गई, पूरा पसीना पसीना, तभी तो मेरे को मतलब गर्मियों की शादी बिल्कुल पसंद नहीं है। और चलते हैं आइसक्रीम खाते हैं ब्लैक करंट एंड देन उसके बाद चलते हैं घर, मिलते हैं डायरेक्ट आपसे घर पे, बाय बाय। मतलब इतनी सारी गाड़ी है ना, इतनी सारी गाड़ी, मेरे को अपनी गाड़ी पता ही नहीं चल रही है कहाँ पर खड़ी है, सेंटर लॉक ऑन ऑफ कर रहा हूँ, ऑरेंज वाली लाइट ही नहीं चल रही यार, पता नहीं कहाँ खड़ी कर दी है, दिख ही नहीं रही है कार, कोई नहीं मिल जाएगी अभी फाइनली कार मिल गई, एकदम वीराने में खड़ी है, कोई कार नहीं है आसपास, इतनी दूर खड़ी है वहाँ से वो शादी है, और चलते हैं फिलहाल। तो गाइस घर पर भी आ चुके हैं, बहुत थक चुका हूँ, नींद आ रही है, 2 बज गए हैं, सच में 2 बज गए हैं गाइस, और चलते हैं घर, आँखों में नींद देख सकते हैं और पूरा मतलब बैंड बजी पड़ी है, चलते हैं घर। और अगर आपने ब्लॉग यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक करेगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेगा, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।